इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह की इंपैक्ट बनाऊंगा नरेंद्र नगर को, नरेंद्र बनाऊंगा इंशाल्लाह। कभी कभी बोलते हैं कब्रिस्तान में पानी आ गया, कभी बोलते हैं हॉस्पिटल का करप्शन हो गया, ये भाई ने वो करवाया, वो भाई ने वो करवाया, और आमदार घर पे बैठा है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नेता थे, 6 फुट 6.5 फुट, लेकिन काम आधा फुट का भी नहीं किया। इसको बोल देगा डरे मौत। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के तरवन नगर ब्यूटिफिकेशन का कल गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इस ब्यूटिफिकेशन पर काफ़ी विवाद चल रहा था कि आखिर किसके पैसे लगे हैं और गटर पर क्यों बनाया गया है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। मगर यूनुस शेख, इनकी जो बेटी है सहर शेख, इस इलाके से चुनाव लड़ने वाली है, इसीलिए ये ब्यूटिफिकेशन किया गया है। और कल उद्घाटन के समय बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट ने अपने विरोधियों को अड़े हाथों लिया, और वहीं ब्यूटिफिकेशन पर विरोध करने वालों को भी यूनुस शेख ने मंच से ललकारते हुए तनवर नगर को ग्रीन पार्क बनाने की धमकी दी है, या फिर इसे चेतावनी कहें। इस दौरान गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाट ने ब्यूटिफिकेशन में लगे पैसे और खुद यूनुस शेख ने क्या कुछ कहा है मंच से, सुनिए। आज ये जो इलाके का नक्शा बदला है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी मदद, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाट साहब का सपोर्ट, उनका फंड, और सबसे अहम चीज आप लोगों का साथ जो मेरे साथ था, तब जाके ये मुमकिन हो पाया है। कई अड़चने आई, कई लोगों ने काम रुकाने की कोशिश की, पैसा पूछने लगे, किसका पैसा है, कहां से लाए क्यों बनाए। कुछ अच्छी चीज बन रही है तो लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं है, और ये वही लोग हैं जो आज से 15 साल पहले बोलते थे कि आवाज साहब तो ठाणा से आए। अरे आवाज साहब थाना से आके मुमरा और कौसा के बीच में जो ब्रिज बनाया ना, वो सिर्फ अक्कल वालों को दिखेगा, सिर्फ अक्कल वालों को। आज हमारा भाई शानू पठान, शमीम खान और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के जब थाना में फोटो लगते ना, तो मुमरा सीना फटर से चौड़ा हो जाता है आदमी। ये काम आवाज साहब ने किया है, ये डेवलपमेंट है। और कुछ लोग अच्छे कामों को, उनकी हमारे सामने गिनती भी नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं है कि वे कामों का ऑब्जेक्शन लेना, ये लेना वो लेना। ग्रीन व्यू बनाऊंगा बोला तो उसको बहुत बड़ा ग्रीन पार्क, तो हमें वादे करता हूँ इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ग्रीन पार्क बनाऊंगा मैं तनवर नगर को, जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। जाते जाते एक शेर बोलता हूँ, आपके पास टाइम कम है। इस सहरा को कभी चमन, इस चमन को कभी सहरा होने नहीं दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा होने नहीं दूंगा, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन है, अपनी नगरी में अंधेरा होने नहीं दूंगा। मेरे अध्यक्ष शमीम खान, मुमरा शहर की पूरे थाना में गूंजने वाली बुलंद आवाज, शानू पठान, मेरा अजीज दोस्त यूनुस, ये हमारी बेटी मर्जिया पठान, उसी बेटी सहार शेख। शमी मैं बता देना चाहता हूं, ये मेरा 2002 से दोस्त है। जब मेरे को कोई पहचानता नहीं था मुमरा में, तब ये मेरा दोस्त बना, और मैं फक्र के साथ कहता हूं इन्हें, हर दोस्ती का जितना भी मेरा ये था वो उसने अदा किया। लोकल दुनिया क्या किसको क्या बोलती है, उससे मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसान मेरे सामने कैसा है उसकी वो पहचान है। मेरे कान में बोलने वालों का मैं बात सुनने वाला आदमी हूँ, तो कान में बहुत लोग आके बोलते हैं, सिर्फ कान का
थोड़ा सा मल साफ करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। मैला होता है ना कान के अंदर, वो थोड़ा साफ करता है। ये अजीम और शहान शहनशाह ये गाना लगता है ना मैं जाने के बाद, इसकी शुरुआत इसने की थी, इसलिए इसके प्रोग्राम में वो गाना इसने पहली बार बजाया। दोस्त इसलिए उसने ये मांग की थी, ऐसी बात नहीं है। ये प्लॉट का मालिक जो है उसको किसी ने बोला था कब्जा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो भी अच्छा मेरा दोस्त है। मैंने उसको फोन किया कि भाई किसके लिए नहीं, मेरे लिए, ये परमिशन दे दे। उसने एक मिनट भी रुका नहीं और ये परमिशन दी और आज ये अच्छा माहौल बना हुआ है। ऐसे पैसा कहाँ से आया तो भूल देना, जितेंद्र आवड़ के घर से आया, इसके बाप का क्या जाता है कहाँ से पैसा आया। शहर सुधर रहा है ना, किसी का घर तो सजा नहीं रहा। आज यहाँ बैठने को आसानी हुई, पढ़ने को आसानी हुई, आज हमारे शानू ने वहां पे अच्छा काम किया, एक शेड डाल दी। पहली बार रिक्शा वालों को डिसिप्लिन लगी कि अपने को लाइन से ही चलना है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जिम्मेदारी डालूंगा कि एक रिक्शा स्टैंड का ऊपर का जो होता है इससे डिजाइन ले लेना और वैसे काम करने की शुरुआत कर देना। पैसे की चिंता मत करो, पैसा देगा ऊपर वाला बारिश करेगा। अगर दिल से काम करने का है तो उसके हवाले छोड़ दो, दे देता है। आज फिर से एक बार मुझे सब महिलाएं दिख रही है। ये मुमरा में भी ऐसा है, सेंटा क्लॉज के विरोध करने वाले बहुत लोग हैं मुमरा में, के लोग खुश क्यों हैं, लोग नाराज क्यों नहीं है। तो फिर वो कभी कभी बोलते हैं कब्रस्तान में पानी आ गया, कभी बोलते हैं हॉस्पिटल का करप्शन हो गया, फिर कब्रस्तान में मिट्टी क्यों नहीं है। अरे भाई सवाब का काम है, एक 10 ट्रक मिट्टी तो भेज दे, उनकी तो दानत रख, वो नहीं करेंगे, खीसे का एक पैसा देंगे नहीं, लेकिन एक रिक्शा वाले को 500 रुपया दिया, बोलने वाले को 500 रुपया दिया, वो अपना नंबर होते रहता है कि ये भाई ने वो करवाया, वो भाई ने वो करवाया, वो भाई ने कल ये करवाया और आमदार घर पे बैठा है। आप बताओ ये गली कैसी थी जब ये शुरू शुरू में नौ के बाद, ये गली कैसी थी, निकलना मुश्किल था। अब कैसी है गली, तो क्या मुझे ये सब बोलने का हक और अधिकार नहीं है। अरे यार शहर सुधर रहा है, मैं मेरा घर नहीं सुधर रहा हूं। हर इंसान को इंसान जैसे जीने का हक है, मैं सिर्फ उसका हक अदा करूं तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। आप जितने भी लीडर थे मुमरा के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी ने भी आपके हक के बारे में बात नहीं की। अच्छे अच्छे मुसलमान नेता थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नेता थे, 6 फुट 6.5 फुट, लेकिन काम आधा फुट का भी नहीं किया। अरे यार इनके घर के सामने के रास्ते हमने बनाए, यार क्या बोलूं। अरे ये इनके इधर से गटर निकलता था और वो उधर एक चेंबर था, चेंबर, वो चेंबर ये आदमी ने साफ नहीं किया था, वो चेंबर मैंने साफ करके बड़ा करवा के रोका गया था, उसको निकल के अब वो बह रहा है। अब कभी पानी नहीं जमा होता है उस गली में, उस गली का नाम क्या है, किस्मत का। अरे क्या बोलूं, लेकिन जितेंद्र अवार्ड, जितेंद्र भी बोलते हैं, जितेंद्र अवार्ड अवार्ड, उसको चिट्ठी निकालते रहो। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है बे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई। ये इसको बोलते क्या,
डोरेमोन ऐसा है। कुछ लोगों को गंदी आदत होती है करने का कुछ नहीं लेकिन बोलने का बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ करता हूं कि उनको लंबी उम्र दे, उनका सेहत अच्छा।